ग्रीटिंग्स, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक हिंदी में रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में अपनी रीडिंग्स करती हूँ, तो ये रीडिंग ऑन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने कैप्रिकॉर्न रीडिंग की थी इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग मुझे जो फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं ट्विटर पे, उन्होंने एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो उनके लिए एक मैं इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग कर रही हूँ, विच कुड बी करंट, जो करंट एनर्जी होगी, देयर फीलिंग्स, मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन, यू वर्सेस देम, जिस भी तरह से रेजोनेट करता है, बेस्ट फॉर द व्यूअर रीडिंग है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जहाँ भी आप हैं, जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं, आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपको टाइटल अट्रैक्ट करता है, टाइमलेस है, सो ऑब्वियसली इस रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली कुछ है। ओके, सो लेट्स सी। सोल्स टैरो में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, देखिए, और एक छोटी सी कम्युनिटी है, हम ग्रो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया फॉर ये प्रेम देने के लिए, और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। छोटी सी कम्युनिटी है, और मैं गूगल एडवर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, कमर्शियल रीजंस के लिए ये नहीं करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप आए हैं, और आप अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, सो दैट यू गेट नो जब मैं नेक्स्ट कॉन्टेंट अपलोड करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जर्नी है हम सबकी। यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, मंजिल मैटर नहीं करती, जर्नी मैटर करती है। तो मैं चाहती हूँ कि एज अ रीडर मैं एक मिस्टेक हूँ, और मैं और जो काम करती हूँ वो अलग है, बट ये ज़रूर है कि हमें एक दूसरे को हैप्पीनेस, पीस और जॉय देना चाहिए। और मैं सिर्फ मैसेजेस ट्रूथ के और एनलाइटनमेंट के लिए देती हूँ, शुगर कोट करके नहीं देती हूँ। सो लेट्स सी, मेरे मास्टर्स और गाइड्स को मैं इन्वाइट करती हूँ, माइकल के शो मी द मैसेजेस जो मुझे देखने हैं, बेस्ट फॉर रिव्यू। उनका नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की है। श्रेया, ये आपके लिए है। ओके श्रेया, ये रीडिंग आपके लिए है। गीता, आपके लिए है। और वासुदेव, ये रीडिंग आपके लिए है। ये तीन लोग हैं जिन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, और वो चाहते थे कि एक इंट्यूटिव रीडिंग उनके लिए की जाए, उनके पर्सन के लिए की जाए, कि उनके क्या मैसेजेस हैं, उनको क्या जानना है। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग इन, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आपको क्या देखना है। जस्टिस, बैलेंस करने की बात है, क्या बैलेंस करना है, लेट्स सी। सो मैं टैरो स्प्रेड पुल करूँगी, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा पास्ट में ट्रैवल करूँगी, थोड़ा कारण देखेंगे, और फिर आउटकम देखते हैं कि किस तरह से आता है, राइट। सो लेट्स सी, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएगा। ओके, हाई इज गुड के लिए, व्यूअर के लिए ये दिखाएगा। सो मैं वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डाबल करती हूँ, ठीक है, और बहुत प्रेम आप सबको, देखते हैं क्या आने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन। किंग ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है ये, ठीक है, और स्ट्रांग है, पैशनेट है, जिनके साथ आई थिंक आप श्रेया, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, गीता आपके साथ कर रहा है, वासुदेव, और जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है कलेक्टिवली, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी एनर्जी रही है जो बहुत स्ट्रांग लगी आपको जब आपकी तरफ आई, सो स्वॉप कर लीजिएगा कैरेक्टर्स, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी में डैप करेंगे, हम रिवर्सल्स नहीं करती हूँ मैं चैनल पर, स्वॉप देख लीजिएगा। और ये बहुत बर्डनिंग हो रहा था फॉर सम रीज़न, क्यों हो रहा था, लेट्स सी, वो हम देखते हैं जैसे जैसे स्प्रेड खुलेगा, बट ये थोड़ा सा पास दिखा रहे हैं कि वो बर्डनिंग लग रहा था, हैवी लग रहा था, मे बी आप लोगों का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, कुछ ब्लॉक्स रहे हैं बीच में, कुछ एंग्शियसनेस रही है, मतलब नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा एनर्जी रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ का कुछ सिचुएशन हो सकता है कि अच्छा नहीं लग रहा था, और चाह कर भी वो आपको शायद ग्रैटिफाई नहीं कर पा रहे थे, दे नहीं पा रहे थे जो आप चाह रही थी या चाह रहे थे। तो मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे। सो रोल ऑफ इमोशंस जो है बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है एक इशू रहा है, कि शायद रेसिप्रोकेशन नहीं थी उस तरह से, इसीलिए नहीं हो पा रहा था। पैशन बहुत था, लव जेमिनाई एनर्जी, हो सकता है जेमिनाई एनर्जी हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, बट आप ये चाह रहे हैं कि किस तरह से हार्मोनाइज हो सकता है, किस तरह से ये सेटल हो सकता है, किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं,
और इसको फेयर बना सकते हैं, राइट। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, एग्जैक्टली टेन ऑफ पेंटिकल्स के, शायद आप चाह रहे थे करंटली जो है आप ये चाहते हैं, या जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे वो जो पर्सन है वो शायद ये चाहते हैं, या आप बेसिकली आई थिंक ये चाहते हैं। मुझे आपकी एनर्जी लगती है कि आप वो वाइट पिकेट फेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस को कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आप चाहते हैं अच्छा फैमिली लाइफ, यू नो ऑल ऑफ दैट, अच्छा हाउस, स्टेबिलिटी, लॉन्जेविटी, यू नो लव, सब कुछ उस तरीके से, रोल ऑफ इमोशंस जैसे मैंने कहा विथ स्टेबिलिटी। मतलब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में जिसके बारे में आप ये देखकर कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी कनेक्ट कर रहा है, बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में। लेकिन किस तरह से, मतलब वो ये कह रहे हैं कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स जैसा एनर्जी है लेकिन मुझे टेन ऑफ पेंटिकल्स जैसा लगता है, मैं जाने को रेडी हूँ आगे। आपकी एनर्जी है ये नाइट ऑफ वांड्स जैसा लगता है मुझे, इट इज़ लियो साज कि हाँ मैं कॉल टू एक्शन लेने को रेडी हूँ, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, या यू नो मैन और वुमन जैसे भी, मैं वो सब कुछ करने को रेडी हूँ, मुझे ये रिपेयर करना है, ये जो भी है ये मुझे रिपेयर करना है, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, राइट। क्या आप देख सकते हैं वो फेयरनेस आते हुए, ये बार बार आप पूछ रहे हैं, क्या फेयरनेस आ जाएगी, क्या अंडरस्टैंडिंग वापस बन पाएगी, क्या हम एक दूसरे के साथ जस्टिस कर पाएंगे, हम फेयर हो पाएंगे, क्या हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले बात पैशन और वो सब हैवी ड्यूटी एक्शन वाइब ज़रूर था, यू नो। सो अब आप कह रहे हैं कि निगोसिएशन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, समथिंग ऐसा कोई गाना है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप वो बैलेंस चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैंसर एनर्जी है एट द बॉटम, आप डेफिनेटली वो बैलेंस चाह रहे हैं, आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये रिस्टोर हो जाए किसी भी तरह, बिकॉज आप बहुत इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में, या द पर्सन जैसे भी, ओके। सो आप सिर्फ पर्सनल वेलबींग के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट रहा है आपका उस पर्सन के साथ, शायद उन्होंने इमोशनल इन्वेस्ट ना किया हो, आपने किया हो, आप बेसिकली चाह रहे हैं कि ये किसी तरह से वापस रिफ्रेश हो जाए, वापस हेल्दी हो जाए, बेहतर हो जाए, और शॉर्ट टर्म कुछ नहीं चाह रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि फॉर सम जो कनेक्ट कर रहे हैं आप वो नहीं चाह रहे हैं, आप वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं जो रही हैं या कभी हों, तो आप इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा विद द नाइट ऑफ वांड्स, क्योंकि आप उस हैप्पी हेल्दी एनर्जी में आए, आप देख रहे हैं कि ये हो सकता है, और यहाँ दो सेवन्स हैं विच इज़ रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मास, यू नो एंजल नंबर, तो डिटीरियोरेशन नहीं है, ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, आ रहा है, और उसके साथ साथ स्टक नहीं है, मतलब आप फेयरनेस मांग रहे हैं, विच इज़ ट्रू, आई थिंक एक रिश्ते में फेयर होना बहुत ज़रूरी है, प्रेम तो आ जाता है, राइट, बट फेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, दो टेंस हैं, बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में, ये तो हमारे जो मास्टर्स हैं, गाइड्स हैं, माइकल यहाँ हैं, और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं ब्लूबेरी, वो कह रहे हैं बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड आप वो देख सकें, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानते हैं ये बात, वो ये बात जानते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ठीक नहीं थी, एंड ये थ्री टेंस हैं यहाँ पर, यू नो स्टेबिलिटी, रिस्टोर होना, पैशन रिस्टोर होना, इमोशनल वेलनेस जो है डेफिनेटली आएगी, प्रोवाइडेड वो चेंज आ जाए, आई थिंक आ रहा है, मुझे वो यही दिखा रहे हैं कि यू नो कहीं ना कहीं वो भी यही चीज़ मांग रहे हैं कि जो भी डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज व्हील यहाँ है जुपिटर, राइट, सो वो भी यही चाह रहे हैं, एंड दे आर रेडी, दे आर सेइंग कि ये हो जाएगा, मेरे स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, वी कैन डू दिस। सो गीता वासुदेव, आई थिंक
ये पॉसिबल है श्रेया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। एंड वो गाइज ये कह रहे हैं कि जस्टिस जो है डेफिनेटली होगा, एक सोलमेट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ये क्या है वो आपको देखना है, मिक्स में जो चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट, उसने मेंटल टोल बहुत लिया है, मतलब डिस्टर्बिंग रहा है वो, काफ़ी ऑन स्विच ऑफ वाला गेम रहा है, ये वो रिश्ता, ये वैसा वाला रिश्ता रहा है। बट इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं दोनों तरफ से, और वो समझ रहे हैं कि आप ही हैं, मतलब आप संभाल लेंगी, यू नो, आप वो उनको वो प्रेम, उनको वो एहसास आई थिंक दिलाते हैं कि आप संभाल लेंगी या संभाल लेंगी तो वे कि आप, हाँ आप कर लेंगे, यू नो, बिकॉज यू फील राइट टू देम, आप वो कड़ी हैं जो सब कुछ जोड़ता है उनके जीवन में उनके लिए। हो सकता है वो अभी स्टक हो इन द माइंड बिकॉज ऑफ लिटिल थिंग्स, बट आई एम श्योर वो आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ दो सिक्सेस हैं हमारे पास, राइट? सो वो चाहते हैं प्रोग्रेसिवली इसको आगे लेके जाना, इसके ऊपर काम करना और डिसरप्टिव एनर्जी से निकलना। वो चाहते हैं कि पीस मेंटेन हो जाए और बैलेंस रिस्टोर हो जाए, हार्मनी हो, आप इंजॉय करें, पार्टी करें, सेलिब्रेट करें, मेक आउट, यू नो, काइंड ऑफ वाइब है, और इमोशनल वेलनेस है, पूरी पूरी स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में। जो कड़ी है ना, छोटी सी जो कड़ी है, वो है कि दे आर स्टक इन द माइंड बस। बट आपको एडवाइस यही है स्पिरिट की, देखते हैं कि उनकी गाइडेंस क्या है। जो मुझे लगता है वो ये है कि आप डोंट गिव अप, यू नो, आप प्लीज़ गिव अप मत करिए। जेमिनी हो सकता है, फायर साइन हो सकते हैं, ओके, और अर्थ एनर्जी भी है, कैंसर भी है, देखते हैं। स्पिरिट क्या एडवाइस कर रही है, किस तरह से कैसे पैन आउट होता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको हेल्प करेगा और आप यू नो संभाल पाएंगे। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, मुझे तो ये दिखा रहे हैं। मुझे सॉन्ग्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्पेशली जब हिंदी में रीडिंग होती है मेरी, यू नो, उर्दू में, हिंदी में होती है, तो ये गाना दिखा रहे हैं, तो ये गाना ज़रूर सुनेगा। मे बी इस गाने में आपके लिए कोई मैसेज है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, वो ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस न्यू मून मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें बदल रही हैं। 3 tens हैं इस रीडिंग में, 3 tens हैं जो ह्यूज है, मतलब और क्या चाहिए जीने के लिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और यू नो, आपके पास इमोशनल वेलनेस है, आपके पास स्टेबिलिटी, लॉन्जिविटी है, आप पास से यू डन एंड डस्टेड हैं, आपको क्या चाहिए, सॉर्टेड है लाइफ, मस्त एकदम, हैप्पी और लक्की, मज़े करिए, इंजॉय करिए, और जैसे स्पिरिट गाइड करती है आपको, जैसे साइंस और सिंग्स मिलते हैं उसके थ्रू चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एब एंड फ्लो में रहिए। मेंटल लाइफ अच्छी रखिए, मतलब इंटरनली अगर सुखी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्ट्रेस नहीं कैरी करेंगे, तो एक्सटर्नली वो एग्जूट करेंगे ना, वो एनर्जी इन्वाइट करेंगे, तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मज़े करिए, और मैं बहुत प्रेम और आभार आपका, थैंक यू सो मच। ये रीडिंग रेजोनेट करे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेगा चैनल को, और हमें हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, बाय बाय, आदाब, गुड नाइट।